आप कोई भी ऑर्गेनिक क्रीम लगा लो, एलोपैथिक क्रीम लगा लो, आयुर्वेद का फंडा अपना लो, आपकी डार्क सर्कल नहीं कम हो सकती। कम होगी भी तो वापस फिर से आ जाएगी। अगर आप में कुछ गलत आदतें या कुछ गलत काम जो आप करते हो, अगर ये आदतें आप में रहेगी तो आपकी डार्क सर्कल्स कम तो होगी बट वापस फिर से आ जाएगी या नहीं कम हो सकती। डार्क सर्कल्स को हटाने के लिए आपको अपने आदतों में कुछ परिवर्तन लाना होगा। जो व्यक्ति हमेशा स्ट्रेस लेते हैं, हमेशा टेंशन में रहते हैं, हमेशा उनमें सर दर्द रहता है, काम का टेंशन, वर्क का टेंशन, पढ़ाई का टेंशन, टेंशन लोगे, स्ट्रेस लोगे तो डार्क सर्कल्स आएगी ही आएगी, चाहे आप कितनी भी क्रीम लगा लो। लेट नाइट जो काम करते हैं, लेट नाइट जो जगते हैं, हमेशा रात को ही जगते हैं, रात को जग के काम करते हैं, रात को जग के मूवी देखते हैं, तो अगर ऐसी आदतें हैं तो कितनी भी क्रीम लगा लो फिर भी आपकी डार्क सर्कल्स नहीं दूर हो पाएगी। प्रॉपर तरीके से 7 से 8 घंटे की लगातार नींद नहीं लेते हो तो ये एक बड़ी रीज़न है डार्क सर्कल को होने की। पानी, वाटर का कम पीना भी डार्क सर्कल का एक बहुत ही मेन रीज़न है। आप कितना भी क्रीम लगा लो, कितना भी कुछ कर लो, पानी कम पियोगे तो ये प्रॉब्लम फिर से जनरेट होके आएगी, यानी आपकी डार्क सर्कल्स फिर से जनरेट होके आएगी, फिर से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अल्कोहल हमेशा लेना, तला भुना खाना ज़्यादा खाना, अनटाइमली खाना खाना, ये भी मेन रीज़न होता है डार्क सर्कल को इंक्रीज करने का। जिन्हें कॉन्स्टिपेशन रहती है, हमेशा कब्ज की प्रॉब्लम होती है, उनमें भी डार्क सर्कल हमेशा देखा गया है कि हमेशा उन लोगों को, मैक्सिमम लोगों को डार्क सर्कल्स हो जाती है जिन्हें कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है। अगर इन सारी आदतों को आप मतलब कि हटा देते हो अपने दिनचर्या से, अपने जीवन से, तो ऑटोमेटिक आपको कोई क्रीम लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपकी डार्क सर्कल्स धीरे धीरे करके हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगर ये आदतें आपकी हमेशा रहती है, अगर आप नहीं दूर कर पाओगे तो चाहे कितनी भी क्रीम लगा लो आपकी डार्क सर्कल्स नहीं कम हो पाएगी। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को आप अपने लाइफ से दूर करो, और मेरा एक फंडा है, उस फंडे का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे यूज करके देखो, आपकी डार्क सर्कल्स हमेशा के लिए धीरे धीरे करके कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो जल्दी मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।